हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना कुक विथ रंजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की कचौड़ी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये सत्तू बना के रखा है मैंने। इसको बनाते समय मैंने वीडियो ऑन करना मैं भूल गई थी, तो उसमें मैंने क्या क्या डाला है वो बता देती हूँ। मैंने उसमें सत्तू में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और ये अचार का मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने डाला है उसमें। और उसको मैंने स्टफिंग कर लिया है छोटी छोटी लोइया बना के। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के ये देखिए मैंने गैस पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने एक एक करके कचौड़ियाँ डाल दी है। हल्की आंच पे इसको सेकेंगे। और ये मैंने चोखा के लिए सामान तैयार करके रखा है, जिसमें मैंने बैंगन, टमाटर और आलू, ये सारी चीज़ें बॉईल करके एक साथ इसको मिक्स करना है मैशर से। तो मैं मैश कर दूंगी अच्छे से। और इसमें डालने के लिए मैंने मसाला तैयार किया है, जो कि दिखाती हूँ मैं आगे। मेरी कचौरी देखिए अच्छे से सिक गई है, रेड कलर की हो गई है। अब इसको मैं पलट के थोड़ा सा और सेकूंगी, फिर निकाल दूंगी प्लेट में। चोखा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा, सरसों, ये सारी चीज़ें हल्की हल्का ब्राउन हो जाए। प्याज डाल दिया है मैंने इसमें। इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डाल दिया है मैंने इसमें, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला डाल दिया, हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर देना है इसको। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी को बॉईल करके फिर इसमें आलू और बैंगन ये सारी चीज़ें डालूंगी। इसको अच्छे से चला लेंगे, पानी एक बार बॉईल हो जाए। कसूरी मेथी डाल दिया है उसमें मैंने, और जो ये आलू, टमाटर, बैंगन ये सारी चीज़ें मिक्स करके रखा था उसको भी डाल दूंगी। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे।
धनिया पत्ती डाल दी है काट के मैंने। सो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मैंने अपनी कचौरी अभी मेरी सेक गई है अच्छे से, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो देखिए मस्त कचौरियाँ बनी है, आप भी अपने घर पे एक बार बना के ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।